मोबाइल का न्यू अपडेट वर्जन डाउनलोड करने के बाद आपका मैप डाउनलोड नहीं हो रहा है, इरर आ रहा है, शो नहीं हो रहा है, तो किस तरह से आप मैप को इजी डाउनलोड कर सकते हो। देखो मैं साइन इन डाउनलोड करने जा रहा हूँ, कितना फास्ट डाउनलोड हो रहा है। अगर आपका इरेंगल डाउनलोड करने के बाद, लिबिक डाउनलोड, टीडीएम जोन से फिर डाउनलोड करने के बाद आपका मैप बहुत स्लो डाउनलोड होता है, कभी इरर आता है, कभी तो डाउनलोड ही नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, सबसे अच्छा आपका नेटवर्क होना चाहिए। उसके बाद नेटवर्क अच्छा होने के बाद फिर एक दिक्कतें आ रहा है, तो आपको क्या करना है मैं बताऊंगा। देखो इस तरह से आपका मोबाइल का होम बटन से आपको दबाना है और इस तरह से ये पबजी को बैक करना है। इसके बाद बैक आने के बाद पबजी में जाना है, पबजी को होल्ड करना है एक बार, आपका इधर इस आइकन में जाना है, आपका डिवाइस में अलग सेटिंग होगा। तो आने के बाद इधर देखो आपको देखने को मिला इधर मोबाइल बैटरी और स्टोरेज, आपको स्टोरेज में आना है। स्टोरेज में आने के बाद दो ऑप्शन दिया है आपको, सिर्फ क्लियर कैच ही करना है, क्लियर डाटा नहीं करना है। क्लियर डाटा करोगे आपको दोबारा से पबजी को डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको सिर्फ क्लियर कैच ही करना है। मैंने क्लियर कैच ही कर लिया। क्लियर कैच ही करने के बाद आपको आपका फाइल मैनेजर में आना है। देखो फाइल में आने के बाद आपको इसमें थोड़ा आपको स्टोरेज खाली रखना है। खाली रखने के बाद इधर आपको आना है, दूसरा स्टेप में बता रहा हूँ आपको क्या करना है। देखो इधर आपको एक बार इधर आना है, अगर आप डाटा यूज़ कर रहे हो, वाईफाई कर रहे हो, तो आपको एक बार फ्लैट मोड में आना है, आपका फ्लैट मोड ऑफ करना है। फ्लैट मोड ऑफ करने के बाद कम से कम आपको 30 से 40 सेकेंड के लिए आपका डिवाइस को बंद करना है, क्लोज करना है। उसके बाद आपको पबजी में आना है, पबजी को लॉगिन करना है, उसके बाद आपका मैप डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।